हेलो, हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्ते। हाँ सर, हमारे साथ, हम इस गांव में हैं सर, और हमारे साथ परिवार के जो है, जो बेटे हैं शिवम है और दूसरा छोटा बेटा अंश है सर जी, और शिवम के पति जी भी है, बच्चे भी है सर जी। मैं शिवम को मैं दे रहा हूँ सर, तो बात करेंगे सर। हेलो, हाँ शिवम, ये घटना बहुत दुखी करने वाली है। हम एकदम बहुत ही ज्यादा हम दुखी हैं। हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं। जब से हमने सुना है तब से लगातार हम कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं। सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर FIR दर्ज हो गई है 302 की। हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे। तो हमारे परिवार के सदस्य हो, ये लड़ाई हमारी है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। ठीक, घबराना एकदम नहीं, और जो तुम्हारी मांगे हैं उन पर हम गंभीरतापूर्वक काम करेंगे और हर स्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल तुम अपने आप को यह मत समझना कि तुम मेरे परिवार के मेंबर हो, ठीक है ना? एकदम घबरा, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे जो भी दोषी हैं, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और जो जो दोषी हैं उनकी पुश्तें भी याद करेंगे, इतनी कड़ी कार्रवाई कराएंगे। आप हमारे परिवार के मेंबर हो, हम बिल्कुल भी ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यह हमारी जिम्मेदारी, पूरे प्रदेश के आप हमारे भाई हो, हर स्थिति में एक एक व्यक्ति को हम कड़ी सजा दिलाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी दुखद घटना है कि मेरा मतलब इतना ज्यादा मैं दुखी हूं, मैं इसका बयान नहीं कर सकता। बहुत दुखद घटना है और जितने भी मतलब इसका निंदा की जाए वो कम है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार को जो असहनीय पीड़ा मिली इसको सहने की ताकत दे, और हर स्थिति में हम रहेंगे। और माता जी का, हमारी बेटी जो गई है उसको मतलब जो भी हम कर सकते हैं कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे उन लोगों को, जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना का करने का प्रयास किया है और अंजाम दिया, हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे।